क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू दी व्हाट इज़ द आउटपुट और गेस द आउटपुट वीडियो सीरीज ऑन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हिंदी में। तो यहाँ पे अभी आप लोग इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और स्क्रीन पे जो प्रोग्राम आप लोगों को दिख रहा है उसमें आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ एरर है। अगर एरर नहीं है तो आप लोग इस प्रोग्राम के आउटपुट को गेस कर सकते हैं। जब आप लोगों के पास एक आंसर होगा इस प्रोग्राम के लिए, आप लोग इस वीडियो को वापस प्ले कीजिए। मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और जो भी आउटपुट या एरर आएगा मैं उसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि आप लोगों के पास इस प्रोग्राम के लिए एक आंसर है, तो मैं यहाँ पे बिल्ड एंड रन करूंगा। तो ये होगा बिल्ड एंड रन और यहाँ पे इस प्रोग्राम का आउटपुट है काउंटर इक्वल टू 100। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे काउंटर इक्वल टू 100 आउटपुट क्यों आता है। तो अगर हम लोग इस प्रोग्राम के सोर्स कोड को देखें तो हमने इस मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उसे यहाँ पे इनिशियलाइज़ भी किया है जिसका नाम है काउंटर, और हमने इनिशियलाइज़ किया है वैल्यू 0। और बाद में हमने एक फॉर लूप को यूज़ किया है और यहाँ पे हम लोग इस इनिशियलाइजेशन पार्ट पे काउंटर वेरिएबल के अंदर 1 वैल्यू को स्टोर किया है। और बाद में यहाँ पे हमारा कंडीशन है काउंटर लेस देन और इक्वल टू 99, और यहाँ पे इस अपडेशन पार्ट पे हम लोग काउंटर प्लस प्लस कर रहे हैं। और ये फॉर होने के बाद यहाँ पे एक सेमी कॉलन है। तो इस सेमी कॉलन का मतलब है कि ये एक फॉर लूप है जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पे ये जो ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट्स है ये इस फॉर लूप के पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे इस सेमी कॉलन को यूज़ करके ये स्पेसिफाई किया है कि बस इस फॉर लूप के अंदर कोई बॉडी नहीं है। ये सी प्रोग्रामिंग पे परफेक्टली वैलिड है। आप लोग एक फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं, उसके बॉडी के अंदर कोई स्टेटमेंट होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे एक और बार मैं कहता हूँ, इस सेमी कॉलन की वजह से यहाँ पे ये फॉर लूप यहीं पे ख़त्म होता है। बाद में हम लोगों ने यहाँ पे एक ओपनिंग कर्ली ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस को यूज़ करके एक कोड ब्लॉक को फॉर्म किया है। मतलब है कि हमने एक ग्रुप को फॉर्म किया है जिसके अंदर हमने इस प्रिंटफ फंक्शन को लिखा है और यहाँ पे हम लोग काउंटर वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। ये भी सी प्रोग्रामिंग में परफेक्टली वैलिड है। आप ओपनिंग कर्ली ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस को यूज़ करके एक रीजन को फॉर्म कर सकते हैं जिसके अंदर आप लोग जितना चाहते हैं उतने स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बार कहता हूँ, यहाँ पे हमने एक सेमी कॉलन को इस फॉर होने के बाद यूज़ किया है, उसकी वजह से ये एक फॉर लूप होगा जिसके बॉडी के अंदर कोई स्टेटमेंट्स नहीं होंगे। और ये जो हमने कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके जो कोड ब्लॉक को फॉर्म किया है ये इस फॉर लूप के पार्ट नहीं होंगे। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो पहले काउंटर वेरिएबल के अंदर 0 रहेगा और बाद में ये फॉर लूप है, तो यहाँ पे हमने काउंटर वेरिएबल के अंदर पहले 1 को स्टोर किया है तो काउंटर वेरिएबल के अंदर अभी वैल्यू 1 होगा। बाद में इस कंडीशन को चेक किया जाएगा काउंटर लेस देन और इक्वल टू 99। काउंटर वेरिएबल के अंदर 1 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद एग्जीक्यूट करने के लिए इस फॉर लूप के बॉडी के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है तो फॉर लूप डायरेक्टली इस अपडेशन पार्ट पे जाएगा, तो काउंटर वेरिएबल के वैल्यू को अपडेट किया जाएगा तो ये 2 बनेगा, प्लस काउंटर प्लस प्लस की वजह से ये 2 बनेगा। तो बाद में फिर से इस कंडीशन को चेक किया जाएगा 2 लेस देन और इक्वल टू 99, यस दिस कंडीशन सेटिस्फाइज, पर एग्जीक्यूट करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है, उसकी वजह से फिर से अपडेशन पार्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा तो ये बनेगा 3। फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा 3 लेस देन और इक्वल टू 99, फिर से ये सेटिस्फाई करता है तो फिर से अपडेशन पार्ट पे जाएगा। इसी तरह ये प्रोग्राम रन होता जाएगा। जब इस काउंटर वेरिएबल का वैल्यू 99 होगा तो क्या होता है, जब इस काउंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू 99 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 99 इक्वल टू 99 है, यहाँ पे हमने लेस देन और इक्वल टू को यूज़ किया है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो अगेन काउंटर वेरिएबल का वैल्यू अपडेट होगा तो काउंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगा अभी 100। और बाद में फिर से इस कंडीशन को चेक किया जाएगा
तो 100 99 से लेस देन और इक्वल नहीं है, 100 99 से ज़्यादा है, उसकी वजह से ये कंडीशन फेल होता है। जब ये कंडीशन फेल होता है तो हमारा ये फॉर लूप जो है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। बाद में जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये कोड ब्लॉक। इसके अंदर हमने प्रिंट ऑफ फंक्शन को यूज़ करके काउंटर वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। काउंटर वेरिएबल के अंदर 100 वैल्यू है और वो 100 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट आता है काउंटर इक्वल टू 100। तो एक और बार मैं कहता हूँ, यहाँ पे हमने क्योंकि इस सेमीकोलन को यूज़ किया उसकी वजह से ये फॉर लूप एक ऐसा फॉर लूप बनेगा जिसके बॉडी के अंदर कोई स्टेटमेंट्स नहीं है। तो ये हुआ दोस्तों इस ट्यूटोरियल के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपने इस वीडियो के ज़रिए कुछ सीखा है तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोग हमें फेसबुक पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं facebook.com/learninglad hindi, और आप लोग ट्विटर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं twitter.com/llhindi। और वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मिलूंगा।